computer networks, SMTP commands and responses. In the previous video, we have seen how SMTP protocol works, and in this video, we will see what commands and responses are transferred between the client and server while sending an email. Okay, so there are three phases while you are transferring a mail from client to the server. First is connection establishment, or connection establishment mein jo command use hoti hai, wo hoti hai hello, H-E-L-O. Ye batati hai ki jo host hai, means jo send kar raha hai mail ko, uske system ka name kya hai. Means actual mein jo connection establish karta hai, wo kaun karta hai? Jo sender hota hai. Sender sabse pehle connection establishment ki request jo hai server ko send karta hai. So ye actual mein establish kar raha hai connection between the client and server, or there is session which will start from here. Okay, second part is mail transfer. Mail transfer mein kya hota hai, ye sabhi commands hoti hai. First is the mail from, ki mail kahan se aa rahi hai, means again jo sender hai wo message ka kaun hai, theek hai. RCPT2 means recipient kaun hai, means server kaun hai, means jo mail hai wo kisko jaani hai. Next is the data. Data will define the body of the mail. और जो लास्ट मैसेज होगा वो होगा डॉट, जो सिग्निफाई करेगा कि यहाँ पर जो मेल है वो एंड हो गई है. नेक्स्ट इज आरसेट. आरसेट जो है वो दोबारा कनेक्शन को रीसेट करेगी. रीसेट का मतलब यहाँ पर है कि अगर कोई भी बीच में एरर आई है तो कनेक्शन जो है फिर से एस्टेब्लिश होगा यहाँ पर. ये कमांड यूज होगी उसके लिए. नेक्स्ट इज द एन ओ पी. नो, ये एक एम्प्टी मैसेज होगा. ये एम्प्टी मैसेज इसलिए भेजा जाता है कि अदर एंड को चेक करने के लिए कि एक्चुअल में वो अवेलेबल है या नहीं, मींस उसकी रिस्पॉन्सिवनेस है या नहीं इन बिटवीन द मेल ट्रांसफर. नेक्स्ट इज द कनेक्शन टर्मिनेशन. फाइनली जब मेल सेंड हो गई है तो हम कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं, उसके लिए कमांड होती है क्विट. और इससे क्या होता है, जो एक्चुअल में स्टार्टिंग में हमने कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो सेशन स्टार्ट किया था वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर एसएमटीपी जो है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, जो एसएमटीपी है टू टाइम्स यूज होती है. फर्स्ट इज फॉर कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, और सेकंड जो है मेल ट्रांसफर के लिए, राइट. यहाँ पर फर्स्ट हमने सिस्टम पर ही कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, मीन्स आप सर्वर से कनेक्ट हुए, राइट. या चाहे वो कोई भी एजेंट हो सकता है, मेल एजेंट, जैसे कि जीमेल या फिर आउटलुक. और फिर उसके बाद हम सिस्टम से बाहर आते हैं और एसएमटीपी का यूज करके हम एक एमटीए सर्वर से, क्लाइंट से एमटीए सर्वर तक मेल को ट्रांसफर करते हैं. तो मींस अगेन हम मेल ट्रांसफर के टाइम पे एसएमटीपी को यूज करें. यहाँ पर टू टाइम्स हम एसएमटीपी को यूज करें. फाइनली जब सर्वर उसको रिसीव कर लेता है, तो रिसीव करने के बाद उसको ओपन करने के लिए या फिर रीड करने के लिए जो है डिफरेंट, जो है हम कह सकते हैं पुल प्रोटोकॉल यूज होती है, जो कि इनमें से कोई एक हो सकती है पॉप थ्री या फिर आई मैप. इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके.